हाय फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में हमने इसी तरह 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल की चर्चा किए थे। चलिए आज ये 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल को फिर से देखते हैं, जो आगामी परीक्षा संभवतः अगस्त में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देख रहे हैं, चलिए इसमें जानिए। पहला हमारा है पहला देखिए इसमें पहला इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल। इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल देखते हैं कैसा होता है। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल देखिए। देखिए एक वर्ग के अंतर्गत एक सर्किल को बना दीजिए, ये इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल है। ठीक है, इमर्सन हीटर को देखिए। दूसरा इमर्सन, 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 इमर्सन हीटर, इमर्सन, इमर्सन हीटर, इमर्सन हीटर का सिंबल देखिए। इमर्सन हीटर का सिंबल कैसा होता है। इमर्सन हीटर देख रहे हैं, इस तरह बना दीजिए। ये आपका इमर्सन हीटर का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ट्यूबुलर हीटर की ओर। ट्यूबुलर हीटर, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर हीटर, ट्यूबुलर हीटर को ट्यूबुलर, ट्यूबुलर हीटर को देखें। ट्यूबुलर हीटर का देखिए, ट्यूबुलर हीटर में क्या होता है देख रहे हैं। पहले एक सर्किल रहेगा, या एन लिखा हुआ रहता है, देखिए एकदम मिलता जुलता है इससे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए, ट्यूबुलर हीटर हो गया। अब चलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की ओर। चौथा मूविंग, मूविंग, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की ओर चलते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का देखिए, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का है सिंबल। उसके बाद हम लोग चलते हैं सॉकेट टू पिन और थ्री पिन के लिए। सॉकेट टू पिन और थ्री पिन के लिए पांचवा सॉकेट सॉकेट टू पिन थ्री पिन सॉकेट 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 टू पिन या थ्री पिन, ठीक है। आप लोग सॉकेट देखे होंगे टू पिन और थ्री पिन वाला, देखिए ये, देखिए ये टू पिन सॉकेट है, थ्री पिन वाला देखिए, एक यहाँ पे बड़ा होगा, एक छोटा, ये आपका टू पिन और थ्री पिन सॉकेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सिंबल काफी इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें घर में, जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और कॉपी जरूर पास में रखें। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कीजिए, ताकि आपको याद रहेगा, देखने के साथ साथ आप उस कॉपी पेन लेकर के उसको उतारेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके आगे पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब लोग हम लोग चलते हैं आगे, स्लिंग रोज, स्लिंग रोज छठा, स्लिंग रोज स्लिंग रोज कौन सा, टू पिन और थ्री पिन, टू पिन और थ्री पिन, टू पिन और थ्री पिन वाला जो है स्लिंग रोज को हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए इसको टू पिन और थ्री पिन वाला स्लिंग रोज, देख रहे हैं। पहले क्या कीजिए, सर्किल बना लीजिए और इधर अर्ध चंद्राकार वृत्त दे दीजिए, इधर भी, ठीक है। ये टू पिन वाला स्लिंग रोज हो गया, थ्री पिन वाला देखिए, थ्री पिन वाला स्लिंग रोज उसी तरह, ठीक है, सिलिंग रोज आ गया। अब हम लोग चलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब की ओर, फ्लोरेसेंट
फ्लोरेसेंट ट्यूब क्योर। सातवां फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट 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 ट्यूब। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब किस प्रकार का, ये सिंगल है। सिंगल के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब को देखिए, ये सिंगल के लिए क्या होगा, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब सिंगल का है। आठवां फ्लोरेसेंट 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 ट्यूब फ्लोरेसेंट ट्यूब ये डबल, फ्लोरेसेंट ट्यूब डबल के लिए देखिए, जैसा सिंगल का देख रहे हैं वैसे सिंगल का बना दीजिएगा। अंतर सिर्फ क्या, इसको इस तरह क्रॉस कर दीजिएगा, हो गया फ्लोरेसेंट ट्यूब, हो गया डबल। अब लोग हम लोग चलते हैं थायरिस्टर की ओर। नम्मा थायरिस्टर, थायरिस्टर की ओर चलते हैं कि थायरिस्टर का देखते हैं क्या होता है सिंबल। थायरिस्टर को देख लीजिए, ठीक है। ये डमरू, डमरू का सिंबल देखते हैं ना, ये डमरू नुमा सिंबल बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका थायरिस्टर। अब चलते हैं बायलैटरल स्विच की ओर। बायलैटरल स्विच दसवां, बायलैटरल स्विच बायलैटरल स्विच बायलैटरल स्विच को समझिए पहले, कि बायलैटरल स्विच का सिंबल क्या होता है। बायलैटरल स्विच, पहले इसको राउंड अप कर लीजिए, ठीक है। बायलैटरल स्विच कुछ नहीं है, जीनर डायोड आप लोग जानते हैं ना, डायोड, जनरली आप डायोड का सिंबल बनाते हैं, डायोड का सिंबल बना लीजिए आप। पहले तो डायोड का सिंबल आप बना लीजिए, डायोड हम बना दिए, ये आपको पता है कि एनोड होता है,
ये कैथोड होता है, तो आपको पता ही है। अब इसमें करना क्या है, बस इस तरह निकाल दीजिए यहां से, देखिए ये हो गया, ये हो गया के गेट, यानी ये कैथोड गेट। उसी प्रकार यहां पे भी आप निकाल दीजिए, यहाँ पे ठीक है, ये हो गया ए गेट। एनोड गेट यही है आपका बायलैटरल स्विच गियर। इस तरह आपके ये 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल आज समाप्त हुए। नेक्स्ट डे भी हम देखेंगे 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल को, और उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिएगा। मेरा वैसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू क्लास।